राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे फंगीसाइड के बारे में बताने वाला हूँ जो न केवल एक फंगीसाइड है किसान भाइयों, ये फंगीसाइड के साथ साथ एक टोनिक भी है, एक कीटनाशक भी है और एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है। और ये किसान भाइयों आता है धानुका कंपनी का, और धानुका कंपनी का जो लस्टर फंगीसाइड है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। संपूर्ण जानकारी मिलेगी, वीडियो मुश्किल से 4 से लेके 4.5 मिनट की होगी, लेकिन जानकारी जो मैं आपको दे दूंगा ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये किस तरीके से फंगीसाइड के रूप में कार्य करता है, किस तरीके से कीटनाशक के रूप में, किस तरह से टोनिक और किस तरह से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है, सब कुछ मैं बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं धानुका कंपनी के लस्टर फंगीसाइड के अंदर आपको कौन कौन से टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। तो किसान भाई, इसके अंदर आपको 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला है इसके अंदर कार्बनडाजिम, जो 25% में आपको देखने को मिल जाएगा, और दूसरा किसान भाई इसके अंदर टेक्निकल देखने को मिलता है फ्लुसिलाजोल 12.5% में। तो किसान भाई, 2 टेक्निकल इसके अंदर दिए गए हैं, तो 2 तरीके से जो ये हमारी फसल पे कार्य करता है। यह किसान भाइयों एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है जो किसान भाइयों DSC टेक्नोलॉजी पर बेस है, जो बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी किसान भाइयों अपने आप में कहलाती है। अब मैं इसके फायदे के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, जो किसान भाई DSC बेस, मैंने आपको अभी इसकी संरचना बताई कि DSC बेस के ऊपर ये आधारित है, तो इसके क्या क्या फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप इस स्प्रे को अपनी फसल के ऊपर करते हैं, फसल पर फंगस का बिल्कुल 100% नियंत्रण हो जाएगा, फसल पर फंगस नहीं लगेगी, फसल के अंदर पीलापन आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, पौधे बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि करनी शुरू कर देंगे, और जो हमारी फसल की गुणवत्ता होगी ये भी किसान भाई काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाएगी। हमारी फसल के अंदर रंग और चमक और उसकी जो उत्पादन है वो भी किसान भाइयों बढ़ जाएगा, फल और फूलों की जो संख्या होगी वो भी किसान भाइयों बढ़ जाएगी। तो ये सब DSC बेस्ड जो हमारी फंगीसाइड होते हैं उनके अंदर ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से डाली जाती है कि हमारी जो फसल होती है वो कई तरीके से कार्य करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये जो हमारा फंगीसाइड है ये टोनिक फंगीसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और इंसेक्टिसाइड चारों तरीके से किसान भाइयों कार्य करता है। अब किसान भाइयों इसके फायदे के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी फंगस पर इसके बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टीम रूट पर इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नेक ब्लास्ट पर इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, शीत ब्लास्ट पर भी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, रस चूसक कीट जो हमारी फसल के अंदर लगते हैं उन पर भी इसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेट लीफ स्पॉट पर भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, साथ ही साथ अर्ली लीफ स्पॉट पर भी किसान भाइयों इसके आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इतनी सारी फंगस पे किसान भाइयों इसके कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन सी फसलों पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो धान, सोयाबीन, बैंगन, मिर्च, टमाटर, कपास, उड़द, मूंगफली, गोभी, तरबूज, लहसुन, गन्ना, मक्का, प्याज, खीरा और भी अन्य फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिन फसलों के अंदर ये वाली फंगस आपको देखने को मिलती है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों ये आपको निकाल करके देगी। तो इसकी जो डोज की बात है, तो डोज किसान भाइयों आपको 1 लीटर पानी के अंदर आपको 2 ml लस्टर फंगीसाइड को डालना होगा, तब आप इसका स्प्रे करेंगे, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 15 लीटर वाले पंप के अंदर की बात करूं तो 30 ml आपको मात्रा डालनी होगी, तो तब आपको इसका स्प्रे करना होगा। प्रति एकड़ की बात की जाए तो लगभग 150 से लेके 160 ml की मात्रा आपको इसकी लेनी होगी। माफ़ी चाहूँगा किसान भाइयों, लगभग 300 से लेके 350 ml की मात्रा आपको इसकी लेनी होगी, और लगभग 180 लीटर पानी के अंदर आपको इसे डाल करके तब आपको इसका स्प्रे करना होगा। यानी कि 1 लीटर के अंदर 2 ml आप लस्टर फंगीसाइड डालिए और तब इसका स्प्रे कीजिए, बेहतरीन रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। अब किसान भाइयों साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। तो इसका जो आपको जो इसका 1 लीटर का पैक होगा ये आपको लगभग 3400 से लेकर 3500 रुपये के आसपास इसकी जो कीमत है वो मार्केट में रखी गई है। आपके यहाँ पर इसकी क्या कीमत है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं इसकी रेनफास्ट एक्टिविटी की। तो किसान भाइयों इसका स्प्रे करने के लगभग 6 से 8 घंटे के बाद यदि बरसात होती है तब भी ये आपको 90% रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्बिनेशन की, कि हम इसे किसी के साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं। तो NPK के साथ आप इसे मिला सकते हैं, फंगीसाइड के साथ आप इसे मिला सकते हैं, कीटनाशक के साथ आप इसे मिला सकते हैं, और टोनिक के साथ भी आप इसे मिला सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा।
बहुत अच्छी ग्रोथ ना होने पर ही आपको एनपीके इसके साथ मिलाना है, क्योंकि एनपीके इसके साथ मिलाने पर इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको 70% के आसपास देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने जब इसका कॉम्बिनेशन तैयार किया था तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था, यानी कि इनका जो सोल्यूशन था वो हल्का सा फट गया था। तो बहुत ज़्यादा मात्रा डिमांड होने पर ही एनपीके आप इसके अंदर मिलाएंगे, अन्यथा आप टोनिक या फिर कीटनाशक या फिर फंगीसाइड के साथ आप इसे 100% मिला लीजिए, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर जरूर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की बहुत बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती